बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाबाई किचन के साथ मैं हूँ फौजिया। और कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, मेरी रेसिपीज़ भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो इसीलिए आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी किचन की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि है दूध दुलारी। और दूध दुलारी बनाने के लिए हमें जिन जिन अज़ा की ज़रूरत है, हमने लिया है दूध 1 लीटर, कस्टर्ड पाउडर हम इसमें लेंगे 4 से 5 टेबल स्पून या जितनी हमें नीड होगी इसको थिक करने के लिए। जेलीज मैंने ले ली थी ग्रीन और रेड, एक एक पैकेट, और हमने इसको पका लिया था। 1 कप हम मिक्स कलर वाली वर्मसली लेंगे। बादाम और पिस्ते हमने लिए हैं गार्निश के लिए। चीनी हम लेंगे 1 कप, और ये कुछ मिक्स जो थे कलर में हैं हमारे पास रसगुल्ले हैं वो हमने लिया है, और 1 कप हम खोया लेंगे। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं अपने दूध दुलारी को बनाना। दूध हमने रख दिया उबलने के लिए, और जैसे ही थोड़ा सा दूध हमारा गर्म होता है तो हम इसके अंदर अपने मिक्स कलर की वर्मसली वो ऐड कर देंगे। गर्म हो गया, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं इसमें मिक्स कलर वाली इधर 1 कप दी थी, और इसे अब हमने उबाली आने तक पकाना है ताकि ये अच्छी सी पक भी जाए और दूध भी हमारा ठीक हो जाए ऊपर जाए सही से। ये देखिए हमारी इस तरह जो दूध में उबाल भी आ गया है, और हमारी सेवइयाँ भी देखें फूल गई है, बिल्कुल रेडी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारी इस तरह से चीनी भी मिक्सअप हो गई है, और मैंने इस तरह से देखें आधे, और ये 5 टेबल स्पून हमने कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया था। इस तरह से इसका ये हमने लिक्विड तैयार कर लिया है। अब मैं इसे मिल्क में ऐड करती हूँ, ये देखें ऐसे, और ये हमें थिक होने तक इसको पकाना है ताकि ये ठीक हो जाए। और इसी तरह से हमने इसमें सिलो सिलो ऐड करना है ताकि ये ठीक हो जाए आराम से। ये देखिए हम, ये देखिए ये हमारा ठीक हो चुका है, और इसे अभी हमने खाली 2-3 मिनट और पकाएंगे ताकि जो हमारा कस्टर्ड है ये अच्छे से इसमें पक जाए। ये देखिए इस तरह से अभी हमारा देखें ठीक भी हो चुका है और अच्छे से पक भी गया है। अब हम इसे ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद फिर हमने इसके आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, और साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं ताकि हम और मज़ीद आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कर सकें। देखिए हमने इसको डिश आउट कर दिया था, अब मैं आपको इसकी बताती हूँ कि हमने इसकी गार्निश कैसे करनी थी। इस तरह से देखिए हमारे पास ये मिक्स कलर के जो थे ये हम रसगुल्ले हमने इस तरह लगा देते हैं, साथ ही देखें हम इस तरह से ये जो हमारा ये खोया था वो हम ऐड कर देते हैं थोड़े से, ये इस तरह से कटे हुए बादाम पिस्ते वो हम डाल देते हैं, और ये जो जेली थी हमारे पास मिक्स कलर की हम इसे ऐड पूरा इस पर गार्निश कर देते हैं, और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। अब ये देखिए ये हमने अपने डिश को फाइनल लुक दे दिया है, और देखें कि कलरफुल सी, बहुत खूबसूरत सी, बहुत अच्छी सी ये लग रही है, और आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। आई होप सो कि आपको मेरी सारी रेसिपीज़ की तरह ये भी बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फिर नई डिश लेकर आएँगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।